लगभग 60 दिन बचे हुए हैं यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को, लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। और अब जितना आप पंक्चुअल होंगे, अब युद्ध स्तर पे बिल्कुल आ जाना है। अब एक एक दिन का इम्पोर्टेंस है आप सभी के लिए। 27 अक्टूबर का आप सभी का एग्जाम है, और 27 अक्टूबर के लिए अब आप सभी को अपना पूरा फोकस झोंक देना है। अब कोई भी दूसरा कार्य नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार, एक ही मन में धारणा, एक ही प्रेरणा, एक ही मेहनत आपको करनी है। यूपीपीसीएस का एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम आपको देना है, और उसको ही आपको अपने थॉट प्रोसेस पे लेकर के चलना है, पढ़ना है बस। अब युद्ध स्तर पे तैयारी करना है, अपनी दिनचर्या भी जो है उसको भी अच्छे से, जो सुबह की दिनचर्या है, शाम की दिनचर्या है, उसका पालन भी करिए। अच्छा, मेरी सुबह की जो करंट अफेयर्स की क्लास है, सप्ताह के 6 दिन कर दिया है मैंने, संडे छोड़ करके हर एक दिन आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होगी। और अब जो कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कंटेंट आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे आज ही मैंने यूनेस्को का जो अभी 43वां विश्व धरोहर स्थल था वो मैंने पढ़ाया। तो सुबह वाली क्लास में आप पढ़िए, जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, भी पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ जितना भी कंटेंट है वो मैं आपको एक ही वीडियो में दे दूंगा। आम चुनाव जो अभी हुए हैं उसमें जितने भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं वो एक ही वीडियो में दे दूंगा। केंद्रीय बजट जो 2024-25 का जो बजट है, उस बजट के बारे में, अंतरिम बजट में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पूर्ण बजट अभी हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक समीक्षा से बारे में एक सेशन, मैं कुछ पर्टिकुलर सेशन भी सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में रखूंगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, उत्तर प्रदेश का बजट भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह अनुरोध है कि आप सभी लोग करंट की क्लास में जरूर अब उपस्थित हुआ करें। सुबह प्रातः 5:30 बजे आपको उपस्थित होना है। अब सप्ताह के 6 दिन क्लास आप सभी की होगी 27 अक्टूबर तक। संडे केवल ऑफ रहेगा, संडे आपका रिविजन का डे है। पहले मैं थर्सडे भी ऑफ कर रहा था, लेकिन अब थर्सडे ऑफ नहीं रहेगा आप सभी का। तो करंट में आप मेरे साथ जरूर जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। और दूसरा, जितने बच्चे मेंटरशिप वाले हैं, मेंटरशिप वाले बच्चे अपना टारगेट जरूर पूरा करें। जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, उस टारगेट को पूरा करिए, पूरे शिद्दत के साथ पूरा करिए। और हम प्रिलिम्स ओरिएंटेड होकर के पढ़ रहे हैं, अब प्रिलिम्स ओरिएंटेड होकर के ही आपको पढ़ना चाहिए। अब आपको पीटी के लिए पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना चाहिए, जो भी समय आपके लिए बचा हुआ है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं आप, अभी मैंने मेंस मेंटरशिप चालू किया है, मतलब मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लगभग 10 सेशन होंगे अभी भी, चूंकि लगभग 60 दिन के आसपास हैं आपके पास, 60 दिन से थोड़ा ज्यादा दिन है। तो आप चाहें तो अभी मेंस मेंटरशिप के वो 10 लेक्चर आप मेरे कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। इसी मंडे से आपकी क्लास चालू हो रही है, तो ये क्लास आपके ऐप में होगी, बैच में होगी। तो आप चाहें तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के जो बेसिक्स हैं वो आप सीख सकते हैं यहाँ पर। बस 1 घंटे का टाइम आपको और देना पड़ेगा, बेसिक अभी बता दूंगा ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको दिक्कत ना हो। प्रीलिम्स के बाद मैं अभ्यास के लिए फिर से नया बैच लाऊंगा, ठीक है? तो मेन्स आंसर राइटिंग का एक मैंने बैच अभी प्रारंभ किया है, मंडे से क्लास स्टार्ट करूंगा, बेसिक्स उसमें बताऊंगा और कुछ आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, कॉपियां भी चेक करूंगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी अच्छे से तैयारी करिए। सोर्सेज आपको सभी को मैंने बता रखे हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम पे जो मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, अभी महारिविजन की सीरीज भी चल रही है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे बैच के अंदर। अभी महारिविजन का 3rd एडिशन आया है आप सभी का, प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का महारिविजन का सेशन आया, वो भी मैं आपके मेंटरशिप वाले बैच में उपलब्ध करा दूंगा क्लासेस, आपको अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आप सभी लोग को जो टारगेट दे रहा हूँ वो टारगेट पे आपको बिल्कुल खरा उतरना है। ये नहीं होना चाहिए कि टारगेट अभी सर आधा पड़ा है, नहीं पॉसिबल है। अच्छा, मेंटरशिप बैच में हम एक काम और करने जाएंगे, मेंटरशिप बैच में जब आपका अंतिम महीना बचेगा, मतलब लास्ट मंथ जो आपका बचेगा, वहां पर मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक दूंगा कि ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाना। जैसे पर्यावरण में मैंने आपको 10 से 15 टॉपिक बता दिए, भूगोल में 10 से 15 टॉपिक बता दिए, इसी तरीके से विज्ञान में, जीव विज्ञान में 10 से 15 टॉपिक बता दिए। वो 10 से 15 टॉपिक जो मैं आपको बताऊं, वो जरूर परीक्षा हॉल में देख करके जाना है, बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ। ये लास्ट मंथ में ही मैं आपके साथ करूंगा, अभी आप चूंकि मेंटरशिप वाले बच्चे डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आप डिटेल में भी पढ़िए, फिर हम सेलेक्टेड पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराए हैं, महारिविजन के वीडियो जो प्रोवाइड कराए हैं, उसमें मैंने सेलेक्टेड सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ाए हैं। 100 वीडियो टोटल आएंगे, लगभग 50 से ज्यादा वीडियो आपको भेजे जा चुके हैं, लगभग और मान लीजिए 50 वीडियो और आएंगे आपके।
और करंट अफेयर्स का जो इंटायर वीडियो आपको भेजा जा रहा है उसको पूरा देखना है, ताकि आपका करंट अफेयर्स का बेनिफिट हो। टारगेट पूरा करना है और जो क्लास आपको भेजी जा रही है उन्हें पूरा करना है। इतना काम आप सभी को अनिवार्य रूप से करना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। यदि इतना हम कर पाए और लास्ट मंथ में जो मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक दूंगा वो आप पूरा कर पाए, तो आप देखिएगा प्रीलिम्स में चमत्कार होगा। सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। मैंने आपको बोला था कि सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर करिएगा, मैथ लगाइएगा, रीजनिंग लगाइएगा, और जो आपका हिंदी वाला सेगमेंट है उसमें सब कुछ है। प्रीवियस ईयर आप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो सी सेट यदि आपका कमजोर है तो आपको अभी भी समय, आप अभी कर सकते हैं। अन्यथा फिर एक महीना जब लास्ट बचेगा उस टाइम पे फिर आप बहुत हौच पौच में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे। ठीक है, तो अब पूरे युद्ध स्तर पे तैयारी शुरू करिए। और मेंटरशिप प्रोग्राम पे मैं आपके रेगुलर टारगेट और ये सारी चीजें हमारे पूरे हो जाएंगे, मतलब जो टारगेट है आप मान के चलिए 2-3 सप्ताह में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो प्रीलिम्स से जुड़ी हुई चीजें हैं। आपने करंट अफेयर्स कर लिया, आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया मेंटरशिप वाले बच्चों ने, ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपने साइंस में बायो का सेगमेंट कर लिया, आपने एनवायरनमेंट कर लिया, आपने पॉलिटी आदि कर ली, अब आपका बचा क्या है, इकोनॉमी बचा है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बचा है। ठीक है, तो आपको बस ये जितने भी टॉपिक बचे हैं ये भी हम लोग आने वाले सप्ताह में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले सप्ताह के टारगेट की ओर आगे बढ़ेंगे। और मेंटरशिप वाले बच्चे जितने भी हैं टारगेट जरूर पूरा करें। मैं आज डाउट भी आप लोग के लेने वाला हूं, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में डाउट आए हैं उनको भी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए।